is Vikram Kumar sir, and today is the class recording session. And today you can just see that there are lots of students here, and today they have already completed 20 to 25 days. Let's know about how their sentence is well or not. So first of all, I want to give the chance to some of the students to know about are they fine or not, are they good or not. As we are just knowing that for the sentence, a good listener will be the good speaker. कहा जाता है कि एक अच्छा श्रोता जो होता है वो एक अच्छा वक्ता बनता है. एक अच्छा सुनने वाला बनना बहुत ही जरूरी है. सो आई वॉन्ट टू गिव द चांस टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू चेक टू द गाइज दैट आर यू एक्साइटेड और नॉट. Yes, sir. So are you excited? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay, so now I would like to give the chance to Sonam. Please stand up. Are you ready, Sonam? Yes, sir. Fully? Yes. Okay, so I'm asking you some sentences in Hindi and you have to translate in English. Okay. Well, tum na sakte ho. You can dance. Tum kyun na sakte ho? Why can you dance? क्या मैं आ सकता हूँ? मैं क्यों आ सकता हूँ? मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे दौड़ना चाहिए. मुझे क्यों दौड़ना चाहिए? क्या मैं दौड़ सका? मैं क्यों दौड़ सका? मैं डॉक्टर बनूंगा. मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा? क्या तुम्हें टीचर बनना चाहिए? क्या तुम्हें टीचर नहीं बनना चाहिए? Shouldn't you be teacher? तुम्हें टीचर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे. मेरे पास पैसे कैसे होंगे? हाउ विल आई हैव मनी? पैसे के द्वारा मुझे पटना जाना पड़ेगा. गुड. मुझे पटना जाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम पटना के सामने हो. गुड. क्या मैं आ सकता हूँ? मैं कैसे आ सकता हूँ? आने के दरमियान तुम हंसने वाली हो. क्या तुम हंसने वाली हो? तुम क्यों हंसने वाली हो? तुम कैसे हंसने वाली हो? तुम कहाँ जाने वाली हो? वेयर आर यू टू गो? क्योंकि मेरे पास कलम होना चाहिए. चाहिए. गुड. मेरे पास कलम क्यों होना चाहिए? कलम के द्वारा बिना कलम के तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा. गुड. तुम्हें पत्र लिखना क्यों पड़ेगा? क्योंकि लिखने के दरमियान. गुड. नाचने के दरमियान. समय बड़ा बलवान. समय किसी का इंतजार नहीं करता. तुम इंग्लिश के शौकीन हो. क्या तुम इंग्लिश के शौकीन हो? तुम इंग्लिश के शौकीन कैसे हो? क्या तुम कॉलेज जा सकी? तुम कॉलेज कैसे जा सकी? हम लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए. हम लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए. हम लोगों को डॉक्टर कैसे बनना चाहिए? डॉक्टर के द्वारा. डॉक्टर के समय डॉक्टर. इंग्लिश के समय इंग्लिश. बिना इंग्लिश के. इंग्लिश के द्वारा तुम्हें जाना पड़ेगा. तुम्हें जाना क्यों पड़ेगा? क्या मैं आ सका? मैं कैसे आ सका? क्या मुझे इंजीनियर बनना चाहिए? मुझे इंजीनियर क्यों बनना चाहिए? एन इंजीनियर. क्योंकि आजकल तुम कैसी हो? तुम कैसी थी? यस, मैं खुश थी. थी. मैं खुश क्यों थी? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ थे? क्या मैं आ सकता हूँ? मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे आना चाहिए. मुझे अवश्य आना चाहिए. मुझे आई मस्ट कम. ओके. क्योंकि मेरे पास आईफोन होना चाहिए. आई शुड हैव आईफोन. मेरे पास आईफोन कैसे होना चाहिए? हाउ शुड आई हैव आईफोन? यस. क्योंकि क्या तुम आ सकी? कुड यू कम? तुम कैसे आ सकी? तुम्हें अवश्य आना चाहिए. यू मस्ट कम. तुम्हें अवश्य क्यों आना चाहिए? व्हाई यू मस्ट कम? व्हाई मस्ट यू कम? तुम आने वाले हो. तुम क्यों आने वाले हो? तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. चाहिए. तुम्हारे पास पैसे क्यों होने चाहिए? बिना पैसे के. पैसे के द्वारा आने वाले समय में मेरे पास कार होना चाहिए. मेरे पास कार कैसे होना चाहिए? बिना कार के. कार के द्वारा मुझे
लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ सकता है. आई विल हैव टू गो. आई कैन हैव टू गो लॉन्ग ड्राइव. आई कैन हैव टू गो टू लॉन्ग ड्राइव. मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना क्यों पड़ सकता है? व्हाई कैन आई हैव टू गो टू लॉन्ग ड्राइव. तुम कहाँ थी? वेयर वर यू? मैं कॉलेज में थी. आई एम इन कॉलेज. थी. आई वाज इन कॉलेज. मैं कॉलेज में क्यों थी? व्हाई वाज आई इन कॉलेज. क्या मैं आ सकता हूँ? कैन आई कम? मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम्हें आना पड़ सका. यू कुड हैव टू कम. गुड. तुम्हें आना क्यों पड़ सका? क्योंकि बिना आए आने के बाद आने के दरमियान. गुड. वेरी गुड. टेक योर सीट प्लीज. वेल दिस इज द सेंटेंस प्रैक्टिस. एज वी आर नोइंग ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट अ गुड लिसनर विल बी द गुड स्पीकर. So once again, I would like to give the chance to Pooja. Please stand up. Okay. Are you ready, Pooja? Okay. Speak loudly. Okay. Well, तुम दौड़ सकते हो. You can run. Good. तुम क्यों दौड़ सकते हो? Can you run? क्या मैं आ सकता हूँ? Can I come? मैं क्यों आ सकता हूँ? मुझे आना चाहिए. I should come. मुझे क्यों आना चाहिए? Why should I come? तुम्हें कपड़े खरीदना चाहिए. You should buy clothes. तुम्हें कपड़े क्यों खरीदना चाहिए? Why should you buy clothes? कपड़ों के द्वारा. Buy clothes. तुम पार्टी में जाने वाले हो. You will. वाले हो. You are to you are go, to, go to party. Yes. क्या तुम पार्टी में जाने वाले हो? Are you to go to party? Good. तुम पार्टी में क्यों जाने वाले हो? Why are you to go to party? क्या पार्टी है? What a party. क्या स्पीकर है? What a speaker. Good. जब जब. Whenever. तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए. You should be doctor. Good. See me. Okay. तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? Why should you be doctor? Good. डॉक्टर के द्वारा. My doctor. तुम हॉस्पिटल जाने वाले थे. You was to go hospital. You were to go to hospital. Okay. क्या तुम हॉस्पिटल जाने वाले थे? Were you to go hospital? Good. तुम हॉस्पिटल क्यों जाने वाले थे? Why were you to go hospital? क्योंकि Because बिना गए मुझे कहना पड़ेगा. I will have to speak. मुझे कहना क्यों पड़ेगा? Why will I have to speak? Say. Why will I have to say? क्योंकि Because बिना कहे without कहने के बाद without कहने के बाद after saying, हाँ, कहने के दरमियान during saying, मेरे पास कार होना चाहिए. I should have a car. क्या तुम जान सकते हो? Can you know? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं एक लड़का हूँ. I am a boy. हाँ, इसलिए so, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए. I should learn English. मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए? Why should I learn? बिना इंग्लिश के मैं स्पीकर कैसे बन सकता हूँ? How can I be speaker? इसलिए so, मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा. I will have to go to coaching. Good. मुझे कोचिंग जाना क्यों पड़ेगा? Why will I have to go to coaching? क्या तुम आ सके? Can you? Could you come? तुम कैसे आ सके? How could you come? तुम्हें आना पड़ेगा. You will have to come. Good. तुम्हें आना क्यों पड़ेगा? Why will you have to come? तुम्हें आना पड़ सकता है. You can have to come. Good. Get confidence. तुम्हें आना पड़ सका. You could have to come. आने के बाद After coming. बिना आए Without coming. तुम्हें पटना जाना पड़ेगा. You will have to go to Patna. क्या तुम आने वाले हो? Can वाले हो? Are you to come? Good. तुम क्यों आने वाले हो? Why are you to come? तुम कॉलेज के आगे हो. You are ahead college. Good. तुम कॉलेज के आगे क्यों हो? Why are you ahead college? क्या मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ? Can I come in front of you? मैं तुम्हारे सामने क्यों आ सकता हूँ? Why can I come in front of you? आने के बाद After coming. बिना आए Without coming. समय बड़ा बलवान. Time is money. समय किसी के इंतजार नहीं करता. Time and tide wait for none. क्या मुझे दौड़ना चाहिए? Should I run? मुझे कैसे दौड़ना चाहिए? How should I run? तुम इंग्लिश में चालाक हो. You are clever at English. मैं इंग्लिश का शौकीन था. I was fond of English. मैं इंग्लिश का शौकीन क्यों था? Why was I fond of English? क्या तुम जान सकते हो? Can you know? तुम्हें अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए. You must speak English. तुम्हें अवश्य अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए? Why must you speak English? Very good, very nice. Take your seat, please. Take your seat. Now is the time to all. I would like to know about the confidence level of all. With the one time, I'll ask the question to all in Hindi, and you have to translate in English.
Are you ready, guys? Yes, sir. Okay. So, Jabjab, तुम आ सकते हो? मैं क्यों आ सकते हो? क्या मैं जा सकता हूँ? मैं क्यों जा सकता हूँ? मुझे जाना चाहिए. मुझे क्यों जाना चाहिए? मैं जा सका. मैं क्यों जा सका? मैं डॉक्टर बनूंगा. मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा? मैं डॉक्टर बनना चाहिए. मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? डॉक्टर के समय डॉक्टर, इंग्लिश के समय इंग्लिश. मेरे पास पैसे होंगे. मेरे पास पैसे क्यों होंगे? पैसों के द्वारा, बिना पैसे के. तुम्हें दौड़ना पड़ेगा. तुम्हें दौड़ना क्यों पड़ेगा? तुम आने वाले हो. तुम क्यों आने वाले हो? मुझे आना पड़ सका. I could have to come. मुझे आना क्यों पड़ सका? तुम कैसी हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ थी? Where were you? मैं कॉलेज में थी. क्या मैं कॉलेज में थी? मैं कॉलेज में क्यों थी? मुझे कॉलेज के आगे जाना पड़ेगा. मुझे कॉलेज के आगे जाना क्यों पड़ेगा? That's why once again I'm just telling you that you must try to practice at your home because practice makes men perfect. Okay, so be practice always and keep smile. Loving is life because God is loving. Yes. Be happy and cheer up to all. Thank you for this.